आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऑपरेशन क्लीन के दौरान भले ही पुलिस चोर बदमाशों को गिरफ्तार कर रही हो, लेकिन पब्लिक भी पुलिस से पीछे नहीं है। थाना सदर ग्वालियर रोड सेवला सराय के त्यागी नगर से क्षेत्रीय लोगों ने चोरों को धर दबोचा। चोर चोरी करने में सफल नहीं हो पाए, इससे पहले ही पकड़ लिए गए। जेल यात्रा पर जाते ही रिजवान अहमद, कालू और भूरा हैं। कालू हनुमान नगर सेवला का रहने वाला है, जबकि भूरा भी हनुमान नगर सेवला का ही रहने वाला है। रिजवान अहमद कबाड़ी का काम करता है। रिजवान अहमद त्यागी नगर सेवला का रहने वाला है। थाना सदर पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। ऐसा बताया गया है कि त्यागी नगर के लोगों ने घेराबंदी कर कालू और भूरा को पकड़ा है। दिव्यांग दिखाई देने वाला भाग निकला। सीसीटीवी कैमरे में अभी तीनों लोगों की तस्वीर दिखाई जा रही है। यश में दिव्यांग भागता बना, कालू और भूरा को पकड़कर थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसा बताया गया है कि रिजवान अहमद ही हथियार और औजार दिया करता था। इसके अलावा चोरी का सामान भी खरीदता था। हम लोग रात में यहाँ पे गाय खराब हो गई थी, बीमार हो गई थी, उसको देख रहे थे। दो लड़के वहाँ से भागते हुए, तीन लड़के भागते हुए आए थे, जिनके पीछे पब्लिक थी और एक लड़का, दो लड़का यहाँ पे घेर ली गई, पकड़ ली गई। एक लड़का भाग गया, जिसके हाथ में बताते हैं कुछ असले थे, वो लेके भाग चुका था। तीन लोग थे। दो लोगों को यहाँ पे हमने पकड़ा और उसको चोरी करने की नियत से आए थे। अच्छा। जैसे हम लोगों ने वहाँ से आवाज़ दी, ये तुरंत भागे। अच्छा। उसके बाद भी उनके पास से रेंच, बाना वगैरह भी उपलब्ध हुआ, औजार मिले थे। दरअसल इलाके में लगातार चोरियां हो रही हैं। पुलिस से भी शिकायत की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हवाले कर दिए जा चुके हैं। दिव्यांग दिखाई देने वाला युवक कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पा रही थी, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों ने चोरों पर निगाह रखने के लिए कुछ युवाओं की अलग अलग टीम बना दी। इसके बाद चोर पकड़े गए। सर पिछले 8-10 महीने से करीब 6 चोरी की वारदातें यहाँ हो चुकी है। उसके बाद क्या किया आपने? करीब 2 मामलों में तो FIR दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। टीम भी बना रखी थी कोई? हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, जैसे पूरे मोहल्ले में हर गली में 4-4-5-5 लोगों की टीम बना ली है, जो कि अपने आप ही अपनी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं। रात में देखभाल करते हैं? हाँ, रात में जो अपनी अपनी गली में सब लोग देखभाल कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में लड़का जो दिखाई दे रहा है, जो दिव्यांग दिखाई दे रहा है, कि वो बार बार कई फोटो में आया है। करीब 2 चोरी जिनकी हमने FIR भी दर्ज कराई है, उन दोनों चोरियों के फुटेज हमारे पास मौजूद है। दोनों में वही लड़का, जो एक पैर से विकलांग है, वो पकड़ा गया, नहीं दोनों चोरियों वही लड़का आ रहा है, वो पकड़ा नहीं। और कल भी फुटेज हमारे पास जो उपलब्ध है, उसमें वही लड़का है। एक तरफ पुलिस बदमाशों और चोरों को पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ मौके से फरार हो चुके दिव्यांग को नहीं पकड़ पाई। क्षेत्र के लोग चोरी की वारदातों से दहशत में थे। क्षेत्रीय लोग चाहते थे कि पुलिस पूर्व में हो चुकी चोरियों का खुलासा करवाए। और हमारे पड़ोस में अभी कल चोर पकड़े गए हैं, 3 चोर पकड़े गए हैं, जिसमें से एक भाग गया है। और पहले जो मतलब चोरियाँ हुई हैं, जैसे 7-8 महीने से पहले मतलब चोरियाँ हो रही हैं हमारे यहाँ, तो उसमें जो विकलांग है वही कल मतलब भाग गया है। उसी वो गिरोह का या तो सरगना कह लो, जो भी है। और पुलिस की तरफ से अभी ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सरगना पकड़ा गया है? हाँ जी, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं है पुलिस की तरफ से। और हम लोग सभी दहशत में हैं, गली वाले, कि मतलब अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, आगे कुछ हो जाए। उसके पास चाकू भी था, कैंची भी थी, और हमारे पड़ोस वाले घर में तो अभी 6-7 महीने पहले ही चोरी हुई है। तो हम सभी परेशान हैं इसको लेके। क्या पुलिस फरार हो चुके दिव्यांग व्यक्ति को पकड़ पाएगी, जिसे लोग चारों का सरगना बता रही है, क्योंकि कई बार सीसीटीवी कैमरे में दिव्यांग दिखाई दिया है। एक तरफ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, बदमाशों को ढूंढा जा रहा है और जेल तक पहुँचाया जा रहा है। दूसरी तरफ पब्लिक के द्वारा पकड़े गए 2 चोर के माध्यम से पुलिस ने सरगना तक पहुँचने का प्रयास क्यों नहीं किया। ये चोर काफ़ी लंबे समय से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। क्षेत्र के लोगों ने युवाओं की टीम भी चोरों की निगरानी के लिए बना रखी थी, जिसके चलते 2 चोर हत्थे चढ़ गए और सरगना भाग निकला। हालांकि पुलिस ने 2 चोरों की निशानदेही पर एक और कबाड़ी को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के माल को खपाया करता था। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन सरगना को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा और क्यों नहीं पुलिस ने अन्य चोरी की वारदातों का खुलासा किया। अपने साथी अनूप के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।